मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि जो दूरस्थ इलाकों में जो बिहार के श्रमिक हैं उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। मित्रों, लोगों ने पहले ही कहा था कि बिहार के श्रमिकों को बसों से लाना संभव नहीं है, क्योंकि बिहार के जो अधिकांश श्रमिक हैं वो 1500 किलोमीटर की दूरी पर, कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में है, कोई मुंबई में है, कोई सूरत में है, कोई अहमदाबाद में है, और इतनी दूरी से बसों में लोगों को लाना यह व्यवहारिक नहीं है। तो हमारे विपक्ष के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर लिया। अरे भाई, किसी भी राज्य के पास, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, जो विकसित और संपन्न राज्य हैं, उनके पास भी इतनी बसें कहाँ हैं कि वो लोगों को बसों में बैठा कर भेज सके। और उसे एक बहुत व्यवहारिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और आज पहली बिहार के लिए जयपुर से चलने वाली ट्रेन वो कल 12 बजे दिन में पटना पहुंचेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ट्रेनों की संख्या और बढ़ेगी। और मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा, और मैं ये भी बताना चाहूंगा भारत सरकार को, कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 6 घंटे तक बिहार के DM SP वगैरह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, और बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लोग ट्रेनों से आएंगे उनके रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी, और वहाँ से उनको बसों में बैठा कर जिले में लाया जाएगा, और जिले से उनको ब्लॉक में जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है वहाँ पर उनको 21 दिन के लिए रखा जाएगा। और देखिए, हम लोग तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर्स पर अतिरिक्त शौचालय का निर्माण, आने वाले हर एक व्यक्ति को गमछी, साबुन, उसके लिए प्लेट, मग, ये तमाम व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको 1-2 दिन नहीं बल्कि उनको 21 दिन उन क्वारंटाइन सेंटर्स पर रहना है। और मैं गाँव के लोगों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी अपील करूँगा कि किसी भी व्यक्ति को गांव में आने मत दीजिए जब तक कि वो क्वारंटाइन की अवधि पूरी ना कर ले, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो मुंबई से, चेन्नई से, अन्य जगहों से आ रहे हैं जहाँ पर संक्रमण फैला हुआ है। तो अगर वो आकर बिना क्वारंटाइन में रहे हुए अगर गांव में चले जाएंगे तो गांव में भी संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ, और फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से, और गृह मंत्री जी को इस निर्णय के लिए मैं बधाई देता हूँ।